बॉलीवुड डायरेक्टर अनीस बाजमीनू गुजरात साथे छे खास कनेक्शन। अनीसना पत्नी मूळ मोडासाना छे, मोटा भागना संबंधी गुजराती छे अने घरे बाळको पण गुजरातीमां ज वातचीत करे छे। बॉलीवुडमां नामना मेळवनारा अनीसनी इच्छा गुजराती भाषा अने गुजरातमां पण एक फिल्म बनावानी छे। ગુજરાતી તરીકે તમારી ફિલ્મોમાં તમે આટલી 60 સ્ક્રિપ્ટ્સ લખી અને ગુજરાતીઓ વિશે એવું કહેવાય છે કે એમને હ્યુમર સિવાયનું કંઈ કામ ગમતું નથી। અભિષેક તો બહુ ચિંતાથી એ કહેશે, એસ્પેશિયલી થિયેટરમાં તો એવું કહેવાય જ છે કે કોમેડી જ ગમે એમ। પણ તમને તમે તમારા ઇન્ટરવ્યુની અંદર કીધેલી એ વાત મેં સાંભળી છે કે કોમેડીને ઇનફ રિસ્પેક્ટ નથી મળતું। આજે પણ 60 ફિલ્મો લખ્યા પછી જ્યારે કોઈ મને કોમેડી લખવાનું કહે ત્યારે મારા હજે ગગડી જાય છે। તો એ કોમેડી અને ગુજરાતીનું કનેક્શન જે છે એ એના વિશે જરાક વાત કરો। નમસ્કાર, નમસ્કાર। મુજે લગતા હૈ કે અચ્છા મેં યે બતાઉં કે મેં પૂરી ગુજરાતી સમજતા હું। હા, મુજે બોલને મેં થોડા સા, અરે નહીં નહીં બિલકુલ, આપ હિન્દી મેં બાત કીજો। તો મેરી જબ શાદી હુઈ થી તો મેરી જો વાઇફ હૈ વો યહીં કી હૈ મોડાસા કી જી, તો ઉનકો બિલકુલ હિન્દી નહીં આતી થી और मुझे गुजराती बोलने नहीं आती थी जी। तो वो शादी के काफी टाइम तक मैं धीरे धीरे गुजराती बोलना सीखने की कोशिश किया। उन्होंने पूरी हिंदी सीख ली, पूरी गुजराती में बात करते हैं। घर पे जो मेरा पूरा माहौल है, बच्चे जो हैं वो भी गुजराती में बात करते हैं, क्योंकि मेरे सारे रिश्तेदार सारे समधी जो हैं वो गुजरात में ही हैं। बट मुझे थोड़ा सा बोलने में पता नहीं क्यों वो लैंग्वेज में उतना आया नहीं। और सिर्फ गुजराती में नहीं, मैंने बहुत सारा काम किया साउथ में जी। तो मैं वहाँ पे तमिल तेलुगु फिल्मों के अंदर भी गया हूँ। बट मुझे शायद मेरी अपनी कमजोरी कि मैं लैंग्वेज को जल्दी पकड़ नहीं पाता हूँ। तो थैंक गॉड कि गुजराती में पूरी समझ लेता हूँ, लेकिन ये जबान मैं बोल पाऊँ नहीं बोल पाऊँ। मेरे सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक पूरा गुजरात मेरे में भरा हुआ है। आप अपनी फिल्मों में जब एक्ट्रेस को पसंद करते हैं तो प्रोड्यूसर के साथ जब बैठते हैं तब बार्गेन कराते हैं, क्योंकि गुजराती इसके लिए ये तो बहुत ही बेसिक है। नहीं, मैं थोड़ा भाव तो करावो पड़े। बिल्कुल बिल्कुल, बार्गेन के बिना मुझे लगता है मजा ही नहीं आता। इसलिए कि हम गुजराती लोग एक बात जानते हैं कि ये चीज हमें घर में कितने की पड़ रही है और ये बाहर कितने में जाने वाली है। कई मरतबा मैं अपने जो दोस्त हैं जो मुझसे थोड़ा कम पैसों में काम करवाना चाहते हैं, मैं उनको मस्ती मस्ती में मजाक में बोलता हूँ, भाई इतना तो घर में भी नहीं पड़ता। तो गुजराती जो हैं वो मतलब अगर कुछ नहीं भी चाहें तो उनको हिसाब किताब तो थोड़ा बहुत आता ही है जी। लेकिन मुझे लगता है कि मेरी जो आज मैंने फिल्में बनाई हैं इतनी और इतना काम मैंने किया है, शायद मैं गुजरात में नहीं होता तो उतना नहीं कर पाता। ये मेरा ऐसा मानना है, इसलिए कि मेरा गुजरात से बहुत संबंध रहा है। मैं जब फिल्में बनाता था ऑलवेज मैं मोडासा जाता था। हमारे गांव के जो लोग हैं उनका जो स्टोरी बोलने का एक तरीका है वो इतना सरल है, इतना सीधा है। तो बहुत सारी स्टोरी जो फिल्में मैंने देखी हैं और जब इन्होंने मुझे सुनाई है कि अरे आज वो फिल्म देखी हमने शोले और उसके बाद जो है वो उसके हाथ ही काट देना, तो जहां जहां एम्फेसाइज करते थे तो वो बहुत बड़े बड़े इंपॉर्टेंट सीन्स होते थे। तो मुझे लगता है कि वो जो स्टोरी इतनी मैंने सुनी है तो कहीं ना कहीं मैं अब जो फिल्में लिखता हूं तो मेरे जहन में और एकदम एंड तक का आदमी होता है कि भाई इसकी समझ में आनी चाहिए फिल्म जी। तो मुझे लगता है कि गुजरात में रहने से और यहाँ के माहौल में रहने से मुझे बहुत पर्सनली बहुत फायदा हुआ है। तो सिंग इज किंग तो आपने बना ली, पर छेल छबीलो गुजराती कब बनाएंगे? मैं बहुत चाहता हूँ फिल्म बनाना और मेरी ऐसी अपना एक इच्छा है कि मैं पूरी फिल्म जो है ये गुजरात में ही बनाऊँ, ऐसा मैं प्लान कर रहा हूँ। जबकि अभी मैंने सिंग इज किंग बनाई तो अभी मेरे कुछ दोस्त हैं वहाँ, यहाँ तो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन यहाँ आके जब मैं बात करता हूँ तो फिर वही बजट की बात आती है। तो इसलिए फिल्म बनाने में थोड़ा वक्त लग रहा है, बट अभी मुलाकात हुई है। सर, कोई गुजराती प्रोड्यूसर तो सोचेगा कि इस साल की एक ही हिंदी फिल्म जो 200 करोड़ के ऊपर कमाई है वो अगर आपने दी है तो फिर तो कोई भी प्रोड्यूसर रेडी हो जाएगा यहाँ पे तो। नहीं, और गुजराती इसके पास पैसे तो बहुत है, ये तो हम सब जानते हैं। और अपने प्रफुल्ल भाई और नितिन भाई जो हैं जी, इन लोगों का मैं बहुत दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ कि इन्होंने मुझे यहाँ बुलाया
और आज मुझे, मैं बहुत जगह गया हूँ दुनिया में, कहाँ नहीं गया हूँ, लेकिन ईमानदारी से बताऊँ, जब जब मैं गुजरात आता हूँ जो खुशी मुझे यहाँ आके मिलती है वो कहीं पे भी इतनी खुशी नहीं मिलती। लवली, हम कॉमेडी के बारे में बात कर रहे थे कि आपको क्या लगता है गुजराती और ह्यूमर का क्या कनेक्शन है कि आप इतनी सारी और इतनी अच्छी कॉमेडी लिख पाए हैं जो कल्ट बन गई है हिंदी क्लासिक फॉर्मूला फिल्म्स के अंदर। अगर नो एंट्री की कोई बात करे या सिंग इज किंग की बात करे या वेलकम की बात करे, मतलब तबू के उस इंटरव्यू में वो भी बता रहे थे कि मैं तो वेलकम की इतनी बड़ी फैन हूँ, ये कैरेक्टर्स की इतनी बड़ी फैन हूँ, आपने बेस्ट ऑफ द एक्टर्स के साथ काम किया है और उनसे कॉमेडी निकलवाई है। गुजरातीज हमेशा कॉमेडी एज अ जॉनर को फर्स्ट चूज करते हैं। मुझे लगता है कि गुजरात में जो सेंस ऑफ ह्यूमर है यहाँ के लोगों का, मैं अहमदाबाद भी गया हूँ, मैं सूरत भी गया हूँ, मैं बहुत जगह घूमा हूँ, तो वो बहुत एक अजीब सा है। ये मुझे लगता है कि ये बनाना भी नहीं पड़ता, कुछ नहीं, हर जगह की एक जो मिट्टी होती है और जो पानी होता है उसमें कुछ असर होता है जी। तो मुझे लगता है कि गुजरात की मिट्टी और इसके पानी में ही असर है कि एक ह्यूमर जो है, लोग ये बोलते भी कि यार जिंदगी अच्छी तरह से गुजरे हंसते गाते हुए खाते पीते हुए, तो बेसिक जो थिंकिंग इनकी ऐसी चलती है तो बहुत ह्यूमर ऑलरेडी है मुझे लगता है।